अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हैदराबादी चिकन हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की और चटपटी हलीम बनेगी, तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1.5 कप गेहूं को मैंने वॉश करके रात को ही भिगो कर रख दिया था। अब मैंने लिए हैं चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल और माश दाल। ये सारी दालें 1/3 कप हैं। अब इसमें शामिल करूंगी 1/3 कप चावल। इन्हें वॉश कर दूंगी अच्छे से। अब इंस्टेंट पॉट में डालूंगी गेहूं, साथ ही मैं इसमें धुली हुई सारी दालें शामिल कर दूंगी। अब इसमें शामिल करूंगी पानी, साथ ही मैं 2 चिकन क्यूब्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। इसे मिक्स करूंगी और अब इसे कवर करूंगी और कुक करूंगी। अब यहाँ पर अलग बाउल में लिए चिकन ब्रेस्ट बड़े पीस में कट किया है। इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, नमक 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून, मैं फ्रोजन यूज कर रही हूँ। दही शामिल करूंगी, लेमन जूस 1 टेबलस्पून और अब शामिल करूंगी पुदीना और धनिया। अब इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। इसे कवर करूंगी और मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। और अब गरम मसाले के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इन्हें मैं अच्छे से पीस लूंगी, इनका पाउडर बना लूंगी। अब इस पाउडर में शामिल करूंगी जायफल और जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करूंगी। यहाँ पर गेहूं और दालें अच्छे से गल चुके हैं। इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद इसे ब्लेंड करेंगे। अब यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप ऑयल। इसमें शामिल करूंगी कट की हुई प्याज, 3 तेज पत्ता और अब प्याज को इतना फ्राई करूंगी कि गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब इसमें डाल दूंगी मैरिनेट की हुई चिकन। अच्छे से मिक्स करूंगी और हाई हीट पे कुक करूंगी। अब इसमें तैयार किए गए गरम मसाला 1/2 शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे अब इसे। अब इसमें डाल दूंगी 2 कप पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम हीट पे कुक करूंगी। अब यहाँ पर हम चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद हाथों से श्रेड कर लेंगे। और अब यहाँ पर गेहूं और दालों के मिक्सचर में चिकन का कौरमा शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें श्रेड की हुई चिकन डाल दूंगी और इसे भी मिक्स करूंगी। अब यहां पर आधा गरम मसाला जो हमने बचा कर रखा था वो शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून चाट मसाला डाल दूंगी और मिक्स करूंगी। अब इसमें शामिल करूंगी गरम पानी। अच्छे से मिक्स करना है और अब इसमें मुसलसल चमचा चलाते जाएंगे और अच्छे से घूंट लेंगे।
तो जनाब यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी हैदराबादी चिकन हलीम तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म नान के साथ ले सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनी है। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलेगा। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।